हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अनंत। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लेवल 7 हो कि एरिना 9 में पहुँच चुका हूँ। और मेरे डिस्प्ले पर हालांकि आपको लेवल 8 दिख रहा होगा, वो एक्चुअली इसलिए हो गया क्योंकि मैंने गलती से कुछ ज़्यादा ट्रूप्स का डोनेशन कर दिया। जैसे मैं एरिना में 9 में पहुँचा था, मैं खुशी के मारे पागल हो गया, उस समय मैंने ध्यान दिया नहीं और वो लेवल 8 हो गया। तो हालांकि मैं आपको लास्ट बैटल लॉग दिखाऊंगा जिसमें मैं लेवल 7 हूँ, और आपको भी आइडिया लग जाए कि जितने के बाद मैं लेवल 7 होकर एरिना 9 पहुंचा था। और मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी सेव्ड है जिसे मैं शेयर करूंगा, मैं स्क्रीन पर शॉट लगा देता हूं और आप उसे देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं लेवल 7 होकर एरिना 9 पहुंच गया था। और ये मेरा डेक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ऑल सीज डेक है और इसमें मैं टूमस्टोन एंड आइस विजार्ड यूज़ कर रहा हूँ। और इस डेक को भी यूज़ ये समझाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है और क्यों सबसे डेक मुझे बहुत सही लगा। और चलिए अब कुछ बैटल लॉग देखते हैं। बैटल लॉग में मैं सबसे पहले बैटल रिप्ले ये शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ये पहले दो तो मेरे क्लैनमेट के साथ हैं और यहाँ पे देखिए ये 2591 ट्रॉफीज है मेरा, और ये मैं डेथ बाय फ्रॉग के अगेंस्ट में क्लैन जिम्पिक्स के अगेंस्ट में बैटल कर रहा हूँ। और इस बैटल लॉग में आप देखिएगा कि मैं लेवल 7 हूँ और मैंने लेवल 9 के प्लेयर को ईजिली बीट किया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर आप लेवल 7 देख सकते हैं और मैं 2591 ट्रॉफीज था, और इस ये बैटल जीतने के बाद मैं अरिना 9 पहुंच गया था। और ये देखिए सबसे पहले मैंने अपना मोटारो को प्लेस किया ताकि उसके पास जो भी कार्ड्स हुए काउंटर, जैसे स्केल्टन आर्मी मिनियन हॉर्डे, वो सबको जल्दी से अपना ड्रॉप कर सके। और चूंकि उसने पहले अपना अब बॉलर विड्रॉ मतलब कार्ड प्ले किया, तो मैं इन्फर्नो प्लेस कर दूंगा और मैं इन्फर्नो ईजिली उसके बॉलर को काउंटर कर देगा। और दिन बारी है अब एक्सपो प्लेस करने का। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जान पहले आइस विजार्ड को ड्रॉप किया देन एक्सपो को, क्योंकि अगर कोई ट्रूप वो अगर ड्रॉप करता तो आइस विजार्ड पहले उसे काउंटर करता, लेट से स्केलेटन आर्मी अगर उसे पास होता। तो चूंकि उसने इन्फर्नो ड्रैगन यूज किया तो कोई बात नहीं, मेरा टूमस्टोन से इजीली उसे काउंटर हो जाएगा। और अब देखिए अब मैं अपना इन्फर्नो प्लेस करूँगा क्योंकि उस बेचारे ने बहुत जल्दीबाजी में कार्ड अपना ड्रॉप कर दिया हुआ है, तो मैं इन्फर्नो ईजिली उसके गोलम को ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर मैं मोर्टार से अगेन उसके गोलम को डिस्ट्रैक्ट करूँगा देन आइस विजार्ड। और अब बारी है फिर से एक्सपो लगाने का, और यहाँ पे देखिए उसने मुझे काउंटर करने के लिए अपना बॉलर भेजा और यहाँ पे मैंने अपना इन्फर्नो प्लेस किया और ये इसका बॉलर भी ख़त्म हो जाएगा। अब वो इस जल्दबाजी में कि वो कैसे कैसे मतलब कार्ड्स भेजा जाए कुछ भी भेजा जा रहा है, वो अपना कॉम्बिनेशन बिल्डिंग कर पा रहा है। तो लगातार आप एक्सपो मोटर प्लेस करते रहिएगा तो आपके अपोनेंट को मौका नहीं मिलेगा वो अटैक करने का। और ये देखिए यहाँ पे उसने थोड़ा जल्दबाजी लेट कर दिया, जल्दबाजी में उसने गोलम पहले ही रख दिया था, तो जिससे मेरे एक्सपो को मौका मिल गया टावर पे लॉक होने का। एंड देन मैंने लॉक से उसके गोलम को पीछे पुश किया और उसका टावर इजीली टूट गया। तो एक बार अगर एक्सपो आप सही से लॉक हो जाता है तो फिर आपके अपोनेंट को काफ़ी दिक्कत होने वाला है सही से उसको काउंटर करने में, क्योंकि ज़्यादातर काउंटर नहीं है, बारबेरियंस हो गए, मिनियन हॉर्डे हो गए और ये सब काउंटर्स हैं। चलिए अब दूसरा रिप्ले देखते हैं। दूसरे रिप्ले में देखिएगा अपोनेंट यहाँ क्या यूज़ कर रहा है, और देखिए इसके पास जो भी कार्ड्स खतरनाक हो उसे पहले यूज़ करना पड़ जाता है। और यहाँ पे मैं टूमस्टोन को यूज़ करूँगा उसके बैलून को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसका बैलून मेरे टावर पर लॉक हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, टावर टूट ही गया है और यहाँ से कम बैक करना काफ़ी मुश्किल। और ये लेवल 10 का प्लेयर है और वो मेरे अगेंस्ट में लेवल 7 के अगेंस्ट में, तो चलिए अब देखते हैं वो क्या करता है। उसने फायरबॉल मारा लेकिन फायरबॉल का फ़ायदा होगा नहीं और मेरा का मोर्टार उसके टावर पर दो हिट लैंड कर देगा। और अब यहाँ पे मैं लॉक करूँगा क्योंकि मेरा एरो काफ़ी उतना हाई लेवल का नहीं है, और यहाँ पे मैंने इस तरह से लॉक किया जिससे उसका प्रिंसेस भी मर गया, गोब्लिन बैरल भी। तो अब देखते हैं अपन क्या करता है। उसने फिर से अपना हॉग राइडर भेजा तो मैं टूमस्टोन से उसे काउंटर करूँगा, उसका हॉग एक ही हिट लैंड कर पाएगा मेरे टावर पर। और यहाँ पर अगेन मैंने पहले इन्फर्नो प्लेस कर दिया ताकि अगर वो कोई काउंटर भेजे तो मैं उसे इजीली बीट कर सकूँ, और अब बेचारे के पास कोई कार्ड है नहीं भेजने के लिए। और देन मैं अपना आइस विजार्ड भेजूँगा ताकि वो भी हेल्प कर सके उस टावर को तोड़ने में। और यहाँ पे देखिए सर टावर का हेल्थ काफ़ी कम हो गया है और बेचारा स्ट्रगल कर रहा है कि वो कैसे मेरे टावर को तोड़ सके। और यहाँ पे मोटा है मेरा उस टावर को हिट के लैंड किया और उसका टावर भी टूट चुका हुआ है, और उस बेचारे को इस टावर को तोड़ने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और यहाँ से मैं दूसरा एक्सपो भी प्लेस कर दूँगा अपना देन इन्फर्नो एंड देन। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सर डैमेज सर टावर को ऑलरेडी हो चुका हुआ है और ये करीब 1300 हेल्थ डैमेज हो चुका है। मैं अपने टूमस्टोन फिर से प्लेस करूँगा और उस बेचारे का हवा वाट लगा दूंगा, और देना बारी है फिर से एक्सपो प्लेस करने का। और ये देखिए आइस विजार्ड ने उस मिनियंस को इजीली ख़त्म कर लिया और अब ये बैटल ऑलमोस्ट हार चुका हुआ है। और ये देखिए ये भी बैटल मैं जीत गया, वो भी लेवल 10 प्लेयर के अगेंस्ट में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक सीज डेक को काउंटर कर पाने के लिए किसी को सही से वो मतलब काउंटर्स होते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं होता कि सीज डेक को कैसे काउंटर किया जाए, तो इस बात का फ़ायदा आप उठा सकते हैं।
और ये देखिए मेरा बैटल लॉग में लगातार जीत रहा था, और हारा गेम ऐसा नहीं हारा नहीं था, काफ़ी लास्ट मोमेंट पे काफ़ी दिक्कत हुआ। और अब देखा जाए यहाँ पर भाई साहब क्या करते हैं, और यहाँ पर भाई साहब ने फेस किया अपना मस्किटर, तो मैं यहाँ पर जैप कर दूंगा उसके मस्किटर को, सॉरी मस्किटर जैप नहीं किया मैंने, टूमस्टन लगा दिया। और अब देखा जाए अपन क्या करता है, उसने पहले भेजा अपना, उसने भेजा अपना विजार्ड, और यहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा खेला, उसने पैंटी लेकिन उसने यूज़ कर लिया एक्सकेलेटन आर्मी, तो मेरे एक्सबो को रोकने के पास उसके कार्ड है नहीं तब उसे, और यहाँ पे उसने इलाइट बारबेन खेला। तो ये देखिए इलाइट बारबेन को काउंटर कैसे करना है, मैं टूमस्टोन से इलाइट बारबेन को काउंटर करता हूँ एंड देन लॉक से, आप फायरबॉल एंड लॉक से भी इलाइट बार्ब्स को इजिली काउंटर कर सकते हैं। और अब देखा जाए अपने यहाँ क्या करने वाला है, तो चूँकि उसने लास्ट टाइम एक्सकेलेटन आर्मी भेजा था, जैप अपना रेडी रखूँगा, उसने खैर यूज़ नहीं किया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपना मोटा फिर से पेस करूँगा देखने के लिए अपोनेंट यहाँ पर क्या करता है। तो चलिए कहीं कुछ खास डैमेज मैं कर नहीं पाया, तो अब मेरा इस विजार्ड भी जाएगा ख़त्म होगा, तो बारी है देखा जाए कि अब मैं टूमस्टोन पेस करूँगा, और ये देखिए यहाँ पर मैं लॉक करूँगा उसके आर्चर्स को, लेकिन उसका इलाइट बार में टावर पर लॉक हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया हुआ है। और यहाँ पर मैं अपने इन्फर्नो से इसकी मस्किटो ख़त्म करूँगा, देन आइस विजार्ड ड्रॉप करूँगा। और अब देखिए भैया ये जल्दबाजी में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करने लगा है, और यहाँ पे मैंने सोचा कि फायरबॉल करूँ लेकिन मैंने फायरबॉल नहीं किया, ओके कर दिया, और यहाँ पर अगेन दूसरा भी टूमस्टोन मैंने प्रेस कर दिया था। तो अब देखते हैं अपोनेंट क्या करता है, अपोनेंट यहाँ पे भेजा उसने भेजा, मैं भूल गया उसने क्या भेजा, बिल्कुल कोई बात नहीं आगे की बात किया जाए। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं अपना फिर से इंफर्नो प्रेस करूँगा, और यहाँ पर अब देखते हैं अपोनेंट क्या करता है, और ये काफ़ी मैटर क्लोज हो गया हुआ है, और यहाँ पे मुझे उसकी बैलून को रिडायरेक्ट करने के लिए इन्फर्नो एंड टूमस्टोन का प्लेसमेंट करना पड़ा। और अब यहाँ पे काफ़ी बटर क्लोज हो गया, अब ये देखिए यहाँ पे वो काफ़ी डेस्परेट हो रहा है अटैक करने के लिए, और मेरा मोर्टार उसके टावर पे लॉक हो गया हुआ है, लेकिन खैर कोई बैटल को जीत नहीं पाता, बैटल ड्रॉ ही होने वाला है। तो ये देखा अपने एक्सपर्टिक में एक लेवल 10 प्लेयर के अगेंस्ट में बैटल कर रहा था, और उसे जीत नहीं पाया, उसे हारा भी, सही से यूज़ करना होगा, लेकिन लो लेवल में एक्समजन जो अपने एक्सपीरियंस नोटिस किया हुआ है, और ज़्यादातर लोग एक्सपोर्ट डेक को सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, एक्सपो बोले तो ऑल मोर्टार, अगर आपके पास मोर्टार पहले आ गया तो मोर्टार कर दी, और वो मिनिन हॉर्डे ऑब्वियसली भेजेंगे, तो आप मिनिन हॉर्डे को सीधे एरो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये अपन मेरा जंगल एरिया का प्लेयर है, तो यहाँ पर मैं आया सबसे पहले मोर्टार फेस करूँगा देखने के लिए उसके पास क्या कार्ड्स हैं काउंटर करने के लिए, और यहाँ पे उसने कुछ भेजा नहीं, वो सोच ही रहा क्या करेगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना अब इन्फर्नो प्रेस कर दूँगा, इन्फर्नो से मैं उसको जाइंट को काउंटर कर दूँगा, देन आइस विजार्ड से उसके फायर विजार्ड को काउंटर करूँगा, और देखता हूँ अपोनेंट क्या करता है। यहाँ पे अपोनेंट कुछ कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे उसने जल्दबाजी में पहले अपना बाकी सारा कार्ड इतना प्ले कर दिया, लेकिन मेरा एक्सबो ने 2-3-4 काफ़ी लैंड कर दिया ऑलरेडी उस टावर पर। तो बारी है फिर से अपना इन्फर्नो प्लेस करने का, देन इन्फर्नो के बाद मैं अपना मोटर अगेन प्लेस करूँगा, और यहाँ पे भेजा रहा है जल्दबाजी में कार्ड भेजा रहा है, तो यहाँ पे उसने फिर से जाइंट भेजा। तो देखिए ये रहा, ये सही से खेल रहा है, इस बंदे को पता है कि कैसे काउंटर करना है, और यहाँ पे चूंकि मैंने पहले ही अपना आइस विजार्ड सॉरी ड्रॉप कर दिया था, तो कुछ खास काउंटर थे नहीं। और ये देखिए मैं टूमस्टोन से कैसे काउंटर कर रहा हूँ उसके उनके अपोनेंट के कार्ड्स को, तो टूमस्टोन का यूज़ आप सही से कीजिए, टूमस्टोन काफ़ी अच्छा कार्ड होता है काउंटर करने के लिए। और अब अगेन बारी है फिर से अपना इन्फर्नो प्लेस करने का, और यहाँ पे मैं आइस विजार्ड ड्रॉप करूँगा, देन अपना मोर्टार प्लेस करूँगा ताकि मैं डैमेज लैंड कर सकूँ उसके टावर पे। और बारी है अब ये देखिए कि मैं जाइंट को कैसे उतने दूर से इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप सही से यूज़ कीजिए, और ये फायरबॉल कर दूँगा उसके मिनियन हॉर्डे को, देन मैं अगेन मैं इन्फर्नो प्लेस करूँगा, देन आइस विजार्ड मेरा उसके टावर को उसके कार्ड्स को अपने आप डिस्ट्रैक्ट कर देगा, देन टूमस्टोन, ये देखिए टूमस्टोन का प्लेसमेंट, और ये काफ़ी ओपोनेंट को दिक्कत हो रहा है मुझे हैंडल करने में सही से, और टावर उसका हेल्थ 600 का ऑलरेडी हो चुका हुआ है। और अब मैं फिर से अपना सही मौका देख के प्लेस करूँगा अपना कार्ड, और यहाँ पे मैं टूमस्टोन लगाऊंगा, और ये काफ़ी हद जल्दबाजी में काफ़ी सारे कार्ड पहले ड्रॉप कर दिया हुआ है, तो देखते हैं अपोनेंट यहाँ क्या करता है। अपोनेंट यहाँ पे उसने ड्रॉप किया जाइंट, लेकिन इस बार मैं रेडी हूँ पूरी तरह से देखने के लिए कि वो कैसे काउंटर करेगा, और यहाँ पे ख़त्म हो जाओ, उसका हेल्थ ख़त्म नहीं हो रहा, और ये बार बार, और ये लास्ट मोमेंट पे उसे गलती हो गया, और ये बैटल भी मैं जीत गया, काफ़ी क्लोज था और काफ़ी अच्छा खेल रहा था। तो एक्चुअली इसी तरह से आप एक्सो डे को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अच्छे हाई हेल्थ कार्ड हों तो ही आप रोक पाइएगा। तो अब और प्ले देखा जाए, और ये काफ़ी मैं दिक्कत हुआ, हारा भी हूँ, अगर आप सही से कार्ड्स को सेट नहीं कर पाइएगा ऑर्डर में। और ये देखिए ये सारे प्लेयर जंगल एरिना के ही हैं, और इन्हें बीट करना उतना आसान नहीं था, और जैसे देखा कि आपने स्टार्टिंग में कि मैं लेवल 8 था, मैं लेवल 8 को मैं वापस ड्रॉप कर गया था,
तो खैर उतना आसान है नहीं, क्योंकि ज़्यादा लेजेंडरी अच्छे कार्ड्स हैं नहीं आपके पास, और एक्सबो को लोग इजीली काउंटर कर देते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिप्ले अटक गया हुआ है, तो मैं तो वीडियो को आगे करता हूँ। और यहाँ पे सॉरी पॉज हो गया था। और देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास मोटा एक्सबो आया, तो मैं एक्सबो सीधे प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जैप और फायरबॉल दोनों था, तो मुझे कोई दिक्कत था नहीं अटैक करने में। और यहाँ पे मेरा एक्सबो उस टावर पे काफ़ी हिट लैंड भी कर दिया हुआ है, और 2000 हेल्थ पहुँच गया। और ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कितना अच्छा कार्ड मतलब इसने ड्रॉप किया। और यहाँ पे देखिए मैं आर्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं आर्चर्स को पहले हटा दिया था स्टार्टिंग में रिप्लेस में, क्योंकि आर्चर से कुछ खास आर्चर ज़्यादा हेल्थ के थे नहीं, तो मुझे दिक्कत हो रहा था काउंटर करने में। और यहाँ पर मैं मेगा मिनियन से उसके मसीडर को ख़त्म करूँगा, देन मैं फिर से एक्सबो प्लेस करूँगा, क्योंकि मैंने एक बार देख लिया हुआ कि उसके पास क्या क्या काउंटर्स हैं। तो देखा फ्रेंड क्या कर रहा, क्योंकि उसने पहले अटैक किया, मैं टून स्टोन लगाऊंगा। और ये देखिए टून स्टोन से कैसे काउंटर कर रहा हूँ मैं उसके हॉक को, देन मैं अपना एक्सबो प्लेस करूँगा। अब देखा जाए भाई साहब क्या करते हैं, भाई साहब पास ज़्यादा कुछ खास काउंटर नहीं, मैं मेगा मिनियन ड्रॉप कर दूंगा, देन जैप कर दूंगा उसके स्केलेटन आर्मी को। और ये टावर समझिए अब टूट चुका हुआ है, और ये टावर ऑलमोस्ट टूट चुका हुआ है। तो ये देखिए क्योंकि लो लेवल पर सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इस बात को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और एक बार आपने टावर तोड़ दिया, फिर आपके पास डिफेंस करना आपके पास काफ़ी आसान है, क्योंकि आपके पास इतने सारे कार्ड्स हैं काउंटर करने के लिए। इन्फर्नो है, मोर्टार है, टूमस्टोन है, आप कोई चांस ही नहीं होता है कि अपन द्वारा आपके पास आपसे मतलब बैटल आपको डिफीट कर सके, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हो जाते हैं ना, तो फिर कोई चांस ही नहीं है। कई बार बैटल में मैंने एक साथ इतनी बिल्डिंग प्लेस कर दी कि बेचारा फ्रेंड बस हंसता ही रह गया, आपसे समझ बस हंसता ही रह गया, आपसे समझ में आ गया था कि वो जीत नहीं सकता है। तो ये रहा मेरा सारा बैटल, एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये काफ़ी मेरी एक्चुअली टफ था, मैं काफ़ी दिन से भी कोशिश कर रहा था कि मैं विन करूँ, विन कर सकूँ। तो फिर फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे बैटल पसंद आए होंगे। तो फिर अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे काफ़ी हेल्प होता है हमें। तो फिर फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।